किया। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि 3538 एटीएम 25 स्टेट सर्वे किया, जो रियलिटी चेक किया उसमें जो न्यूज 18 इंडिया ने जो 25 स्टेट्स में ये सर्वे किया है, जो रियलिटी चेक किया उसमें से 40% एटीएम सिर्फ काम करते पाए गए, 60% एटीएम काम नहीं कर रहे थे। एटीएम का सबसे बड़ा रियलिटी चेक जो कि न्यूज 18 इंडिया ने किया, मैं बता दूं आपको पिछले हफ्ते भी हमने एक रियलिटी चेक किया था जिसमें 36% लगभग, थोड़ा सा ज्यादा 36% से जिसमें एटीएम काम कर रहे थे, लगभग मैं बात करूं तो 3.5 से 3.5% एटीएम में संख्या बढ़ी है जो काम करने वाले, लेकिन अभी भी 60%। मैं आपको बता दूं कि 3538 में से 1414 एटीएम हैं ऐसे मिले हैं जो कि काम कर रहे हैं, 2124 एटीएम ऐसे हैं जो काम नहीं कर रहे हैं, यानी जिसमें 40% ऐसे एटीएम जिसमें कैश नहीं है, 60% ऐसे एटीएम जो काम कर रहे हैं, यानी 3538 25 स्टेट ये एटीएम का जो रियलिटी चेक किया हमने पिछले हफ्ते भी एक एटीएम का 25 स्टेट्स में ही किया था, अरुणाचल प्रदेश से लेकर अहमदाबाद, कश्मीर से लेकर तिरुवनंतपुरम तक 25 स्टेट्स में जब हमने ये रियलिटी चेक किया तो ये रियलिटी चेक सामने आया जिसमें हकीकत ये है कि 40% एटीएम इस वक्त काम कर रहे हैं देश में और 60% ऐसे पाए गए जो हमने चेक किया काम नहीं कर रहे थे। अगर आप मुझे डाटा की बात पूछेंगे तो मैं आपको बता दें 3538 एटीएम थे जिनको हमने डाटा सैंपल में शामिल किया, शरीक किया। पिछले हफ्ते जो हमने किया था 2858 एटीएम थे, वो 2858 एटीएम पिछले हफ्ते थे जिसमें सिर्फ 36% से कुछ ज्यादा ही एटीएम काम कर रहे थे पिछले हफ्ते, लेकिन अगर हम इस पिछले हफ्ते से इस हफ्ते की तुलना करें तो लगभग बड़ा मामूली सा अंतर है, 3 से 3.5% एटीएम जो है बस काम करते हुए पाए गए हैं अगर पिछले हफ्ते से इस हफ्ते की तुलना करेंगे। 60% एटीएम ऐसे हैं जो अभी भी काम नहीं कर रहे हैं, तो ये हकीकत है। जी जी हाँ हुजूर, तो ये थी हकीकत, लेकिन हम इस वक्त मौजूद हुए कश्मीरी गेट पर। जी हाँ, दिल्ली के कश्मीरी गेट पर मौजूद हैं तमाम सारे लोग, और उधर अगर आप उससे पूछेंगे एटीएम की लाइन और एटीएम की कतार तो पहले जैसी वही है, हकीकत वही दिखाई पड़ रही है। यहाँ पे लगभग 6 एटीएम हैं जिसमें सिर्फ इस वक्त एक ही एटीएम में काम कर रहा है। कौन सा एक एटीएम काम कर रहा है? हाँ जी, जी अंकल बहुत नाराज हैं आप, अब बोलिए आप। मोदी के काम से लोग खुश नहीं हैं, मैंने तर्जुमा कर दिया, हिंदी में बता दिया, हिंदी बोलो अंकल। हिंदी बोल रहे हैं है? कि आज 38 दिन हो गए हैं है? लोगों को परेशानी हो रही है, है? ये भारत में तीसरी बार डिमोनेटाइजेशन हुआ है 1978 एंड 2016, लेकिन इस जैसा कभी भी नहीं हुआ जैसा आज हुआ है। अंकल आप क्या काम करते हैं? आई एम आइडल मैन। आइडल में खाली आदमी, तो सब जो खाली आदमी होता है वही सबसे ज्यादा कामकाजी आदमी होता है, तो सबसे ज्यादा कामकाजी आदमी है सारा। जी बताइए कहाँ से? तो आप विष्णु गार्डन से? तो कश्मीरी गेट में क्या कर रहे हैं? हाँ जी, मार्केट में सप्लाई करते हैं माल, मोटर पर पैसे मिले, पैसे निकाल ले वहाँ से, यहाँ पैसे निकाल ले। ये चेहरा पहचान लेते हैं भाई, ये तो झूठ बोल रहे, तो मार्केटिंग करने आए थे? ना 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 ना। तो मैं आपको बता दूं, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने, उनसे बातचीत के सिलसिले को भी जोड़ेंगे, लेकिन एक बार एक शख्स हैं बड़ी देर से मुझे देख रहे हैं, मैं चला जाऊं उनके पास, अगर थोड़ी सी इजाजत दें तो। सर्वेश जी थोड़ी सी इजाजत दें तो मैं जाके बस मजा करके और आनंद के बाद तक चलता हूँ। हटिए 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 हटिए। जी 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 बिल्कुल, लाइन में लगे हुए शख्स से तो जरूर बात करनी चाहिए। नंबर आ गया आपका? नहीं जी अभी नहीं आया। बहुत नाराज हैं? नाराज इसलिए हैं कि अगर झूठ ना बोलो,
झूठ नहीं बोलते। नहीं आप कौन बोलोगे, जेटली साहब बोल रहे हैं, वो कह रहे 95% एटीएम ठीक हो गए। एटीएम आप यहाँ पे गिनिए कितने एटीएम है, आप गिनिए, छह एटीएम है और एक चालू। ये 10,000-10,00,000 रुपए इसमें डाले, 6 में डाल देते, लाइन छोटी हो जाती, लाइन अपने आप कम हो जाती, लाइन कम हो जाती, डिवाइड हो जाती, जो रुपया है डाल देते। जी बड़ी देर से मुझे देख रहे थे, बड़ी दूर से, क्या चक्कर है, क्या चक्कर, मैं भी ये सोच रहा था चक्कर क्या है। मैं समझा, मैं नाम आपका क्या हो गया, मेरा एम के जैन, जैन साहब मैं समझा कि आप मेरे को देखो, मेरे को गुस्सा हो क्या, आ क्यों नहीं रहे, ये आ क्यों नहीं रहे, क्या चक्कर है, तो जेटली साहब को बुला रहे हैं क्या, जेटली साहब ये क्या चक्कर है, तो चक्कर ही जानने के लिए सर्वेश जी अब हमें सीधे, जैसा आप कह रहे थे मुझसे कि चलना है कैनॉट प्लेस, तो चलिए आनंद के पास चलते हो, जानते हैं जहाँ वो कैनॉट प्लेस में मौजूद है, वहाँ तो बड़ी मारामारी होती है, जरा पता करें आनंद से, आनंद क्या रुख है वहाँ पर एटीएम का बताइए जरा। इस समय मैं कनॉट प्लेस पर खड़ा हुआ हूं, पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम मेरे पीछे है, दोनों एटीएम दो मशीनें अंदर हैं और वो काम कर रही है, लेकिन बाजू में आईसीआईसीआई का एटीएम है जहां से लोग वापस यहां पर आ गए, क्योंकि वहां पर चार मशीनें, लेकिन चारों मशीनें बंद पड़ी हैं। दिल्ली का जो सर्वे किया है न्यूज 18 इंडिया ने, उसमें करीबन 60% जो एटीएम है वो फिसड्डी साबित हुए, यानी कि बंद मिले हैं। यहां पर कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब ये बताइए, नोटबंदी के बाद कितनी बार आप एटीएम की लाइन में लगे और कितनी बार आपको पैसा मिला, कितनी बार आपको खाली यहाँ जाना पड़ा है? सर देखो ऑलमोस्ट रोज लगना पड़ता है यहाँ पे। अच्छा, लेकिन बहुत बार खाली है जाना पड़ा है, अभी भी बस लगे हुए हैं, दो मशीनें लगी हैं, चल रही हैं, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। आईसीआईसी में 6 मशीनें लगी हैं लेकिन पैसा नहीं होता उसमें, आता नहीं। सर आप नोटबंदी के बाद कितनी बार लाइन में लगे एटीएम की और कितनी बार पैसा निकालने में कामयाब रहे, कितनी बार खाली हाथ घर गए? सर जी बहुत मरतबा हाथ लगा मैंने, लेकिन कभी मिला कभी नहीं मिला, कभी पैसे खत्म हो गए। एक भिखारी वाली तो जिंदगी हो रही है सर, और क्या बोलेगा। और लोगों के यहाँ करोड़ों रुपए मिल रहा ब्लैक मनी का, अब तो वो लोग जाने जो लोग ले रहे हैं सर। भाई साहब आप बताइए, आप पढ़ाई करते हैं स्कूल में? आई एम स्टूडेंट इन कॉलेज, स्टूडेंट कॉलेज एमएटी के। कितनी बार लाइन में लगे एटीएम? इट्स माय फोर्थ टाइम। और पैसा निकालने में फोर्थ टाइम कामयाब हुए? यस हुए। यस मतलब उम्मीद अभी नंबर आ जाएगा आपका? यस। अच्छा ये बताइए, बाकी एटीएम कई जगह जाते हैं बंद पड़े होते हैं, नंबर आते आते कैश खत्म हो गया, तो बड़े दिक्कत गुस्सा आता होगा। इट्स अ मेजर प्रॉब्लम इन इंडिया एट दिस टाइम, वी फीलिंग दैट वी आर फॉरेनर्स एंड चेंजिंग आवर करेंसी लाइक दैट। ओके, आप इनके दोस्त हैं, आप बताइए आप कितनी बार लाइन में लगे अब तक? 4-5 बार लगे गए। कितनी बार पैसा निकाल पाए? 3 बार। 3 बार दिक्कत तो बहुत हो रही है, बट चलो कोई दिक्कत। यहाँ पर प्रतीक कई लोगों का कहना है कि वो 5-6 बार लाइन में लगे हैं, 2-3 बार पैसा निकाल पाए, कई बार अपने घर खाली हाथ जाना पड़ा है। आईसीआईसीआई में काफी भीड़ होती है बाजू वाले जो एटीएम है, लेकिन आज वो बंद पड़ा है काफी टाइम से, तो लोग इसका सहारा ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर यह है कि लोग राहत के साथ ले रहे हैं, क्योंकि दो मशीनें, दोनों मशीनें काम कर रही है, तो लोग यहाँ पे शांतिपूर्व तरीके से लाइन में लगे और कोशिश कर रहे हैं कि उनका नंबर आए और पैसा निकाल के घर जा सके। जी बिल्कुल 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 आनंद, मैं आपको बता दूं कि जो हमारा रियलिटी चेक था जिसके मुताबिक हमने 3,000 से ज्यादा एटीएम को खंगाला, 25 स्टेट्स में जो आंकड़े सामने आए वो आंकड़े बेहद चौंकाने वाले थे, उसमें से 60% ऐसे एटीएम थे जो काम नहीं कर रहे थे। और भाई तुम यहाँ कैसे? हाँ जी जी जनाब, पैसे लेने आए थे या सिर्फ रुक गए देखने लगे? देख रहा हूँ कि क्या हुआ। हाँ तो जो देख रहे हैं देश में वो क्या कैसा है? कोई अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं, लोग कह रहे हैं कि बैंकों पे, एक सवाल लोग बराबर पूछे कि बैंकों के भी लोग सवाल उठा रहे हैं। बैंकों पे सवाल इसलिए है कि हम लोग लाइन में खड़े रहते हैं, दुनिया से पैसे कहते हैं कि आए और चले गए, पता नहीं कहाँ से आते हैं और कहाँ चले जाते हैं, हमें बात समझ में नहीं आई कि पैसा आ कहाँ से रहा है। सही से आ रहा है रिजर्व बैंक से, लेकिन हमें नहीं मिलते, पता नहीं जा कहाँ रहा, कैसे जा रहा है। चचा कबूतरबाजी हो गई वहाँ, कहाँ चचा हुआ कबूतर ही देख रहे हैं बस। बिल्कुल आप इधर बात करिए ना, कबूतर कौन कौन से उड़ रहे हैं ऊपर बताइए? ये सब पालतू उड़ रहे हैं, ये सब पालतू कबूतर हैं। इस टाइम इंसान जैसे मोदी जी ने जैसे इंसानों को उड़ा रखा है, ऐसी कबूतर उड़ रहे हैं। अरे मैं आपको बता दूं, ये पुरानी दिल्ली है, यहाँ पे कबूतरबाजों का बड़ा जबरदस्त है शौक भी होता है, तो उधर आसमान में ऊपर कबूतर उड़ रहे हैं और इधर आसमान में नीचे जमीन में इंसानों को उड़ाया जा रहा है, नीचे आसमान नीचे जमीन में। चाचा क्या बात है, आइडियल मैन, आइडियल मैन और आइडियल मैन दोनों में। जी जी सर बताइए, बहुत तंग है सर दिल्ली, पूरे भारतवर्ष में बहुत तंगी है इसमें। हाँ सिर्फ गवर्नमेंट के बंदे ऐश कर रहे हैं, बाकी सब आपने। आपका नाम क्या हो गया? मेरा नाम गुरदीप सिंह है सर। गुरदीप जी भोपाल चले, चलेंगे? चलो जी, चलो चलो चलो, तो भोपाल चलते हैं, भोपाल चलते हैं। जरा मैं बताता हूँ वहाँ भोपाल में क्या हाल है, हमारे सहयोगी वहाँ पे मौजूद है। जी बताइए हुजूर मनोज जी। प्रतीक प्रतीक, यहाँ पर जो भोपाल है, जो भोपाल में झीलों की इस नगरी में, हालांकि जो एटीएम का हाल है
थोड़ा बेहतर है। जो हम आंकड़े दिखा रहे हैं उन आंकड़ों में जैसे हमने 13 एटीएम में जो हम गए तो उनमें से सिर्फ 2 एटीएम बंद मिले, बाकी 11 में काम हो रहा था। जैसे मिसाल के तौर पर अभी मैं भोपाल के एसबीआई के एटीएम में हूँ, यहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं है, एक साथ यहाँ पर 5 एटीएम लगे हुए हैं लेकिन सारे इस समय चल रहे हैं, लेकिन समस्या लोगों को थोड़ी दूसरी तरह की यहाँ आती है। आप यहाँ पर जो पैसे निकाल रहे हैं तो जो आपको जो मनमाफिक नोट मिल रहे हैं मैडम? क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर लोग आके बोल रहे थे कि सिर्फ 2000 का नोट है और वो अगर कम निकालना चाह रहे हैं तो उनको थोड़ी मुश्किल हो रही थी। तो यहाँ पर जो ज्यादातर आप अभी जो पैसे निकाल रहे हैं, मैं पैसे निकालते समय बीच में डिस्टर्ब करूंगा तो शायद आपके पसंद का नोट मिल रहा है आपको जी। सर आपने 2000 के नोट निकाले थे? हाँ सर। तो आप कितना चाह रहे थे? चाह रहे थे 2500 निकालने के लिए जी, लेकिन 2000 निकले। अच्छा, सिर्फ 2000 का नोट है कि दूसरे नोट भी हैं? 2000 केवल 2000 का नोट है। मैडम आपने कितने पैसे निकाले और कितने चाह रहे थे? निकले ही नहीं सर इसे। क्यों? पता नहीं, इसमें नॉट अवेलेबल बता रहा है। अच्छा, ये देखिए प्रतीक, देखते ही देखते एक एटीएम नॉट अवेलेबल हो गया, ये आउट ऑफ सर्विस। फिलहाल 5 में से 1 एटीएम यहाँ बंद हो गया और जैसा कि हमने आंकड़ा दिखाया था उसी के मुताबिक, मतलब अगर देहाती इलाकों में हम जाएं प्रतीक तो वहाँ पर ये आंकड़ा थोड़ा बढ़ जाता है और करीब 40% एटीएम जो है देहाती इलाकों में मध्य प्रदेश में काम करते नहीं मिलते हैं। तो जी मनोज, यहाँ पे पूरी तैयारी है। जी भाई साहब, नाराज हो बहुत हमसे? हमसे क्यों नाराज हो रहे हो? क्यों नाराज हूँ? आप उल्टा आप हमसे नाराज हो रहे हैं सर। मैं आपसे कह रहा हूँ, आप हमेशा हर चीज अगेंस्ट दिखा रहे हैं। यहाँ पे इतने लोग हैं सर, आप हाथ ऊपर उठवा दीजिए, कौन मोदी जी के साथ है और कौन उनके अगेंस्ट है। अरे भाई, मोदी जी रोटी खिला रहे क्या? मोदी के घर में रोटी क्या किया मोदी जी या जो भी किया? मैं मथुरा का। अरे रुको 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 यार, अरे रुको भाई, रुको 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 रुको, मोबाइल ला मुझे। अरे बस बस बस, हो गया हो गया हो गया। अरे अरे अंकल, हो गया हो गया हो गया। अरे बस बस कथा, अरे बस, अरे बस 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 बस, मुझे बोलने दो। अरे बस बस, अरे बस, अरे अरे चाचा बस बस, अरे हो गया बस, अरे चाचा रहने दीजिए, हो गया हो गया हो गया। अरे मैंने एक बार, अरे मुझे मालूम है रोटी नहीं है, बस 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 बस। अरे भाई रुकिए, गरीब आदमी का नाम ले। हाँ हाँ हाँ, अरे भाई साहब, अरे नहीं 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 नहीं, बस समझ गया आपकी बात, बस 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 बस, हो गया हो गया हो गया हो गया। मुझे मालूम है, मुझे मालूम है, मैंने बस सिर्फ एक ही सवाल रखा था और देखा लग कितने लोग आपके पास आ गए। मैंने मुझे मालूम है, मुझे मालूम है, एक सवाल सवाल धीरे आराम से आराम से। चचा को परेशानी थी तो चचा ने बात अपनी रखी और आपने अपनी बात रखी। अबे दोनों आराम से चलिए जरा, दोनों अभी भी बातचीत करते रहेंगे जी। हाँ, आपने मोदी जी को कहा, मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया। सुनो, मैं रानीखेत का रहने वाला हूँ, मैं रानीखेत से बिलोंग करता हूँ। हो गया हो गया हो गया, रानीखेत से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम मथुरा दास सत्योली है। मोदी जी ने जो किया बहुत अच्छा किया, लेकिन कालाधन, कालाधन यहाँ नहीं है, कालाधन बाहर है, वहाँ से निकालो ना, उसको निकालो। मोदी साहब ने अच्छा किया, लेकिन उसके जो सलाहकार हैं उन्होंने बताया नहीं कि क्या क्या प्रॉब्लम आएगी। हैं ये जो लोग वो बोलते हैं काला धन बाहर आएगा, क्या हमारे लोगों के पास, हमारे पास है काला धन? है तो निकालो, कहाँ है काला धन? हमको क्यों परेशान कर रहे हो जी? हमको क्यों परेशान कर रहे हो? चलो परेशानी, हम देश के लिए 10 दिन झेल लेते हैं, 15 दिन झेल लेते हैं, कितना दिन कितना देर चलेगी? अच्छा भाई रुको, पहले पहले मुंबई चल रहे, पहले मुंबई चलते हैं, पहले हमारे सहयोगी मुंबई में मौजूद हैं जी। जी अभिषेक, जी अभिषेक, गले मिलो आप, तब तक गले मिलो आप दोनों लोग, गले मिलो, मैं आता हूँ जी। अभिषेक जी, पर्याप्त मात्रा में पैसे होने के सरकार के दावे आधे हकीकत आधा फसाना से कुछ भी नहीं, और इसकी गवाही न्यूज 18 इंडिया ने जो मुंबई के 39 एटीएम्स पे की है उसकी गवाही भी यही दे रही कि महज हमें 16 एटीएम चालू दिखाई दिया और जबकि 23 एटीएम खाली थे। इससे साफ होता है कि जो दावा किया जा रहा है वो सही नहीं है, कई जगहों पर एटीएम में पैसे नहीं। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो एटीएम की तलाश में जगह जगह घूम रहे हैं, उनसे बातें। भाई साहब बताइए, आप कब तक
कब से ये परेशान है आप? हम लोग SNDT कॉलेज से आए, वहाँ सिंडिकेट बैंक में गए, सिंडी बैंक में देखा तो वहाँ कैश नहीं थी। बाद में बैंक ऑफ बड़ौदा के ATM पे गए, वहाँ से 2000 का एक ही नोट निकला, कैश नहीं थी। बता रहे कि जहाँ पे ये गए थे वहाँ पर कैश इन्हें नहीं मिला। ओहो क्या बात है, थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा, थोड़ी सी गर्मा गर्मी हो जाती है साहब। बहुत देर से लाइन में खड़े हुए लोग हैं तो हो जाता है, क्यों जी हो जाता है थोड़ा बहुत है? बाकी सब ठीक है ना? बाकी सब ठीक है। आप लाइन में हैं या लाइन के बाहर हैं? लाइन से बाहर हैं। अच्छा लाइन से। आप लाइन में हैं लाइन के बाहर? लाइन से बाहर हैं। लाइन के बाहर हैं। और लाइन में कौन है? लाइन सारे लगे हैं। कहाँ लाइन में है, कौन है? ये सब लाइन में, हाँ लाइन में बाहर वाले सब, तो बाकी सब तमाशबीन है, सब बढ़िया, सब बढ़िया। सारे तमाशबीन है, क्या बात है भाई हुजूर। पैसा निकाल लिए? जेब काटेंगे, जेब काटेंगे, काला धन निकालेंगे यहाँ से सारा, सारा काला धन निकालेंगे यहाँ से। कहाँ से? यहाँ से सारे लोग, सारा काला धन यहीं तो आ रखा है। कहाँ पे? मोदी जी कह रहे हैं सारा धन सारे इंडिया में आ रहा है, कश्मीर के में हम लोग तंग आ रखे हैं। अच्छा जी जी, तंग आ रखे हैं भाई यहाँ पे, बहुत सारे लोग तंग आ रखे हैं क्योंकि यहाँ पे काला धन है। भाई क्या बात, कहाँ से? नहीं से सर, इतना परेशान हो रहे, लाइनें लग रही है। कोई अमीर आदमी क्यों नहीं है यहाँ पे? कहाँ है तो सर, सब अमीर आदमी खड़े हैं यहाँ पे, दिख रहा। अरे नहीं नहीं भाई, सब अमीर आदमी लाइन में खड़े, हमारी दिहाड़ी भी छूट गई, हमारी दिहाड़ी भी हमारी बेकार हो गई है। क्या क्या काम करते हैं आप? सर जी मैं एक्सपोर्ट के जूतों के कंपनी में काम करता हूँ। जूतों के कंपनी में काम, मैं गाड़ी चलाता हूँ, ग्रामीण सेवा। आप अच्छा ग्रामीण सेवा में? आप? मैं इनके साथ हूँ ड्राइवर। अच्छा ये इनके आप ड्राइवर हैं? ये क्या है? कंडक्टर। ये कंडक्टर है जी। दोनों लोग एक ही गाड़ी में चलते हैं। ये क्या है? ये गुटखा। हैं? गुटखा। हैं? गुटखा। रजनीगंधा। ये क्या होता है? रजनीगंधा। ये भी खाते हैं? अच्छा बंदा नहीं है क्या? हैं? बिलो एक ही बंदे होंगे। कंपनी से काम करता पे है, उधर कॉल काम करता पे है तो? हाँ और कितने मोदी कितने गए? मोदी मोदी क्या जानू? अरे भाई मैं क्या जानू, मोदी जी कहाँ है? मोदी जी वहाँ है, मोदी जी वहाँ है, मोदी ने बुलाना तुम। अच्छा मोदी जी को बुलाए? और कितने बंदे परेशान हैंगे, सारे जनता परेशान हैगी है। मोदी ने बोला तुमसे? मोदी ने बुलाओ के क्या मोदी दस आगे पूछे की हुआ की नहीं हुआ। हर कोई बंदा आ रहा है, जड़ा भी है, नेता सब। अच्छा तुम रुको, दो मिनट रुको, मैं ब्रेक ले लूँ और फिर मोदी जी को लेके आते हैं। ब्रेक लेना पड़ेगा, लेना बोलो, तुम बोलो, तुम ही बोल दो कि ब्रेक ब्रेक करा। ब्रेक की तो मैं क्यों से बोला, तुम बुलाना मोदी नु भी। मैं भी बुला रहा हूँ, मजा आ रहा, बस मोदी जी पूछेंगे यहाँ के वक्त जोड़े से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हुजूर वोट बात पे आई है तब पता चलेगा कैसे कैसे लोग मिलते हैं। फटे छोड़े से ब्रेक का, ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता हूँ। जी हाँ, कुछ लोगों ने चाट खा ली है और अब पैसे की बारी है। जी 2000 का नोट खुला हुआ नहीं है तो बस ठीक है, मेरा वादा कर लीजिए आप भी कोई। नहीं उसे कैश कर देंगे ना क्रेडिट कार्ड से। हाँ तो बस पेट वही करिए बस आप। क्यों भाई? भाई जी बताइए, आपने पेटीएम लेना शुरू किया कि नहीं लिया? वो कैसे इलेक्ट्रॉनिकली? अभी नहीं किया। अभी नहीं तो कितने साल हो गए आपको यहाँ पे? मेरे को हो गए 15-20 साल। तो कैसा चल रहा है हिसाब किताब? हिसाब किताब बढ़िया है जी। और अच्छा हो गया? बहुत बढ़िया हो गया। और अच्छा हो गया? बहुत। ये लीजिए। वाह हाँ जी, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं बाबूजी। बाबूजी कह रहे जी, लोगों के पास पैसे ही नहीं है, क्या हो गया आपको? पैसे बड़े बड़े सनी में हाल में जाओ। आप तो क्या कह रहे हो? मैं तो बात कर रहा हूँ इनके फेवर में। पैसे नहीं है भाई साहब, ये पता नहीं क्यों कह रहे हैं बड़े हो गए। बैंक देखो, बैंक के सामने कैसे लाइनें लगी हुई हैं, लोगों के पास पैसे। ये झूठ बोले, मुझे क्या पता, अब मैं क्या कहता हूँ, हमें तो लाइनों में लगना पड़ रहा है। बैंक में 25,000 बोला हो, दे नहीं रहा 25,000 रुपए, 4,000 आ रहे हैं, क्या होगा? 25,000 25 चाहिए इनको, देखो 24,000 रुपए हफ्ते का दे रहा है। सेल इनकम टैक्स में देखो क्या दिखाते हैं, है ही नहीं पैसा। और एक महीने का 96,000 रुपए दे रहे हैं, 1,00,000 रुपए महीना दे रहे हैं, फिर कहते पैसा नहीं है। तो कितना पैसा चाहिए, कितना खाते हैं ये लोग, ये बताओ ना पैसा। पैसा कितना खाते हैं? कितने खाते हैं चाहिए, पैसा चाहिए बाबूजी। हमें तो नहीं, हमें नहीं चाहिए पैसा, हमें तो 1,000-2,000 चाहिए। ATM लाइन में लगते वही चाहिए हमें तो, और कोई नाराज भी बहुत हो रहे थे आप तो। क्या करें भाई साहब, नहीं मिल रहे ना पैसे, नाराज होंगे नहीं, पैसे नहीं मिल रहे क्या करें, लाइनें कितनी लंबी लंबी है। काम करें कि अगर देश बदलने के लिए थोड़ी देर लाइन में लग जाइए ना तो क्या है, बदल जाएगा लग रही है तो क्या है। चलो अच्छी बात है, बदल जाएगा तो अच्छी बात है, देश बदलता है।
छोड़ो घर वो छोड़ो घर देश के लिए देश के लिए चलो मोदी का ना बाप है ना बेबाई देखो सर अगर देश देश बदलना है तो परिवार को तो बुखारी मारेंगे देश बदलने के लिए ये बताइए अब ये मुझे मुझे तो मैं सीधे के नॉट प्लेस चलता हूँ सराज जी बहुत नाराज है मैं जानता हूँ डोंट बी पर्सनल सीधे रुक करेंगे के नॉट प्लेस जी आनंद जी देखिए प्रतीक यहाँ पर लोगों से जानने की कोशिश करेंगे हम भाई साहब न्यूज 18 इंडिया हमारे चैनल ने सर्वे करा देश भर में और उसमें पाया गया कि 60% एटीएम काम नहीं कर रहे हैं किसको जिम्मेदार मानते हैं मतलब बैंकिंग फैसिलिटीज को और क्या मतलब बैंक की फैसिलिटी नहीं देगी तो फिर कैसे होगा भाई साहब बताइए मतलब एटीएम में पैसा होता है लेकिन सर्वर डाउन होता है तो इसलिए पैसे नहीं निकल पाते कई बार हाँ तो लेकिन कैश नहीं होता कभी सर्वर का प्रॉब्लम होता है फिर कभी कभी बैंक में भी जाते हैं वहाँ पे भी कैश नहीं होती है भाई साहब बहुत सारे बैंक मैनेजर गिरफ्तार हो रहे हैं ब्लैक मनी को वाइट करने वाले एटीएम में पैसा नहीं है आप अपने पैसा लेने के लिए लाइन में खड़े हैं तकलीफ हो रही है फैसले को कैसा मानते हैं फैसला तो ठीक ही है पर जो इम्प्लीमेंटेशन होने चाहिए थे वो बेहतर होने चाहिए थे अभी तक मेरे हिसाब से अभी तक लिमिट को बढ़ाने की ज़रूरत है या फिर सर्कुलेशन पैसे की बढ़ाने की ज़रूरत है दिल्ली मेट्रो सिटी है राजधानी है लेकिन यहाँ के एटीएम अगर काम नहीं कर रहे हैं बहुत सारे तो तकलीफ होती है मतलब कि हाईटेक शहर है जी हाँ जब दिल्ली जैसे शहर में ये प्रॉब्लम हो रही है तो छोटे सिटीज में तो आप समझ गांव गराज को तो छोड़ दीजिए हाँ जी मैडम आप क्या सोचती हैं मैम एटीएम में लगी हुई कितनी बार पैसा निकालने में सक्सेस हुई है सामने कैमरा देख के मुझे कोई कमेंट नहीं करना नहीं करना है आपको कमेंट अरे आपको पैसा ही निकालना है भाई साहब आप बताइए आप कितनी बार लाइन में लगे हैं सामने देख के बताइए 4-5 बार सर लगे हैं लाइन में दिक्कत होती है कितनी बार पैसा निकालने में कामयाब हुए 2-3 बार हुए हैं 2 बार निकले 2-3 बार हो गए अभी उम्मीद है नंबर आ जाएगा 10-15 लोग अभी थोड़ी देर में तो नंबर आ जाएगा यहाँ पर प्रतीक लाइन काफी छोटी होती जा रही है हम 5 बजे यहाँ पे खड़े थे तो काफी लंबी लाइन थी लेकिन अब लाइन कम होती जा रही है दो अंदर मशीन है जो काम कर रही है तो लोगों को उम्मीद है कि यहाँ से पैसा लेके वो घर अपने जाएंगे या उन्हें शॉपिंग करना है या जहाँ भी जाना है तो यहाँ पे जो लोग हैं उनकी मिलीजुली प्रतिक्रिया उनका कहना है कि बैंकिंग सिस्टम कहीं ना कहीं जिम्मेदार है अगर एटीएम खराब पड़े हैं उनके अंदर पैसा होने के बावजूद भी अगर सर्वर काम नहीं कर रहा है तो बैंकिंग सेक्टर को ध्यान देना चाहिए कम से कम जो बैंक के स्टाफ हैं कि वो एटीएम को दुरुस्त करें जिससे कि लोग अपने 2,000 या 2,500 रुपये निकाल सकें क्या बात है समझ में नहीं आ रहा कुछ क्या होगा बाबूजी भाई ट्रेन निकलेगी ट्रेन निकल गई कहाँ जाना है क्या शादरे से हम शामली जाना है अच्छा तो फिर आपको बोलना है हमें ये बोलना है कि किसे बोलना है पहले ये बताइए ये हमें आम जनता को बताना है अच्छा जी बताइए और ये बताना है कि दवाई गोली कड़वी होती है अच्छा और जब वो बीमार आदमी के अंदर जाती है तो उसका रोग खत्म करती है मोदी ने जो काम किया है वो गोली दी है अभी आपको और वो बिल्कुल ऐसे फिट बैठेगी बिल्कुल सब खुश हो जाएंगे कोई परेशानी नहीं होगी और जितने भी बड़े बड़े पैसे वाले हैं मोटे पैसे ज्यादा चीज दर्द उनको है उनको क्यों है कि उनको ज्यादा बिजनेस में ज्यादा पैसा चाहिए और छोटा आदमी के लिए पैसा बहुत मिल रहा है मिला है पूरा पैसा मिल रहा है आपको मिला मुझे मिला मुझे आज नहीं जब मुझे जरूरत होती तभी मिल जाता है तभी मिल जाता है 10,024 की है तो मैं 10% तुष्ट हूँ नहीं मैं मजाक कर रहा था जब भी लाइन में लगेंगे तो पैसा तो मिल ही जाएगा तब पैसा तो मिल ही जाएगा मेरे बेटे की 7 तारीख की शादी भी थी मुझे आश्वासन दिया 2.5 लाख रुपए देने का मुझे मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करके दिए फिर भी मुझे पैसा नहीं मिला मुझे तब भी खुश हैं आप तब भी खुश हूँ मैं वाह क्या बात है बहुत अच्छे पब्लिक को बिल्कुल मन शांत रखना चाहिए तो मन शांत रखना चाहिए और सबर का कैप्सूल खाना चाहिए सबर का कैप्सूल का गोली गोली थैंक यू अरे वाह ट्रेन निकल जाएगी अब जाइए तो ये सज्जन थे जो ट्रेन से पहले ये बात कह के अपनी चले गए लेकिन हम रुक करना चाहेंगे उधर पटना जहाँ हमारे सहयोगी चंद्रमोहन मौजूद है जी बिल्कुल प्रत्येक देखिए कल शाम में मैंने खुद 20 एटीएम गए और वहाँ पे जो 17 एटीएम थे वो वहाँ पर पैसे मौजूद थे लेकिन 3 एटीएम ऐसा था जहाँ पर पैसे मौजूद नहीं थे और अभी हम मौजूद हैं पटना के सबसे वीआईपी मोहल्ले जो पाटलिपुत्र है वहाँ पर यहाँ पर 7 एटीएम है 7 एटीएम में सिर्फ जो है वो अभी
चार एटीएम काम कर रहा है जबकि तीन एटीएम जो है वो पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है। कुछ लोग हैं जो यहाँ पर पैसा निकालने आए थे, उन्हीं से जानते हैं कि आखिर किस तरह की परेशानी उनको एटीएम के पास जब पहुँचते हैं तो हो रही है। अभी आप पैसा निकालने आए थे, क्या पैसा निकाल लिया आपने? जी नहीं, पैसा नहीं निकला। चार मशीन में से एक मशीन काम कर रहा है जो भारतीय स्टेट बैंक का है, उसमें से 2000 का सिर्फ नोट निकल रही है। हमको 500 या 1000 रुपये की जरूरत है, हम नहीं निकल पाई। क्यों 2000 का नोट निकाल लेते हैं? 2000 का हमारे पास काम नहीं था, 2000 चेंज नहीं मिलता है। तो एटीएम तो यहाँ पर काम जरूर कर रहा है लेकिन सबसे बड़ी परेशानी जो हो रही है वो चेंज को लेकर हो रही है, क्योंकि जहाँ भी पैसे निकल रहे हैं वहाँ पर 100 के नोट कम बल्कि 2000 के नोट ज़्यादा निकल रहे हैं। और अभी जो हम आपको नज़ारा दिखाने की कोशिश करेंगे इसमें ये आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं, तीन एटीएम का जो है वो पूरी तरह से शटर गिरा हुआ है। यहाँ पर जो गार्ड हैं उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि यह एटीएम में कभी कभी यहाँ पर पैसा पड़ता है। शायद यही वजह है कि आज तो ये पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है लेकिन इससे पहले एक दो बार इसमें पैसे आए हैं और उसके बाद जब खत्म हो गया उसके बाद कोई यहाँ पर नहीं पहुँचा। तो इस वीआईपी मोहल्ले का ये स्थिति है। अब आप समझ सकते हैं कि बाकी पटना में क्या होता होगा, इसका महज अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हाजिर हूँ बातचीत करने के लिए। हाँ अलबत्ता थोड़ी सी शाम गहरा गई है लेकिन बातचीत करने के लोग डटे हुए हैं। कहाँ जा रहे थे आप? घर जा रहा था। घर जा रहे थे तो आप यहाँ आते हैं काम के लिए? हाँ, डेली आता हूँ। डेली आते हैं तो यहाँ पे तो भीड़ भाड़ रहती है, बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, एटीएम भी भरे रहते हैं। बिल्कुल रहते हैं। तो आप किस प्रोफेशन में है? मैं मार्केट में कलेक्शन करता हूँ। कलेक्शन करते तो आपसे ज्यादा बेहतर तो कोई बता ही नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल। पहली बात ये कि नोटबंदी का असर मार्केट पे कितना? बहुत ज्यादा असर है। अगर मैं 100 का बात करूं तो 100 में 10, 20, 30, 40, 50 कितना? नहीं, 50% फर्क है। फर्क है, फर्क है। अच्छा ये बताइए, आपसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं बता सकता कि इससे काला धंधा रुकेगा? बिल्कुल रुकेगा। रुकेगा? बिल्कुल रुकेगा जी। इनका काम जो है वो काम यही है, मार्केट से कैश करते हैं तो ये सबसे बेहतर आप बता सकते हैं। तो ये इससे काला धन बिल्कुल रुकेगा। हाँ बिल्कुल और, रुकेगा। और रोकथाम होगी? बिल्कुल। तो इसका मकसद है और रोकथाम होगी। लेकिन लोगों का तो व्यापार खत्म हो गए। हाँ? व्यापार हो ही नहीं तो काला धन और सफेद धन की बात क्या हुई? 50% अभी तो काम कम हो गया ना। काम धंधे नहीं रहे इसलिए काम खत्म हो गया। काम धंधे है ही नहीं लोगों के। अगर काम होंगे तो काला धन सफेद आदमी होगा ना। मर गरीब आदमी ना, झल्ली वाले भाग रहे हैं, रक्षे वाले भाग रहे हैं, शहर छोड़ छोड़ के लोग जा रहे हैं। गरीब आदमी मर रहे हैं, अब बड़ा आदमी तो पूरा काला धन। आपने कोई भी एक बड़ा आदमी बैंक में लगा देखा? अगर यहाँ पे अगर हमारे पास अगर काम होता तो हम आपके पास यहाँ पे टाइम ही नहीं होता हमारे को। ये भी कलेक्शन ना कर रहे होते अभी, काम का टाइम है। इनके पास कोई डाटा नहीं है, इनका कुछ, इनको कुछ नहीं पता लोग कैसे रोटी खा रहे हैं, कैसे जी रहे, कैसे कर रहे हैं। ये तो सिर्फ अपनी कलेक्शन लेने जाते हैं। इन्होंने किसी को तनख्वाह नहीं देनी, इन्होंने कोई दुकान नहीं खोलनी, इन्होंने किसी तुम नौकर को तनख्वाह, तुम अपना चाय नहीं बनानी सुबह से लेकर शाम तक। ये तो कलेक्शन लेने जाते हैं इनको क्या? अरे भाई इनका अब सुने में, इनका भी घर है, इनके घर भी बच्चे हैं। इन्होंने एक घर पालना ना, जो लोगों की यहाँ दुकान है उनके 10-10 घर पाल रहे हैं उनकी दुकान, एक एक दुकान से परेशानी जरूर हो रही है। अब इन्होंने लैंग्वेज चेंज कर दी है, परेशानी तो है, वैसे परेशानी नहीं है। अब क्या माने इनकी बात? ये माने कि पहले माने? लेकिन भविष्य जो है उज्ज्वल है, भविष्य उज्ज्वल है। आज 38 दिन बिल्कुल परेशानी झेलेंगे, झेलेंगे बिल्कुल, परेशानी झेलेंगे, भविष्य उज्ज्वल है, परेशानी झेलेंगे। काले धन पे तो कोई रोक नहीं लगी है सर, लेकिन सर एक बात है कि जो मार्केट में
फर्जी मनी थी, डुप्लीकेट पैसा था सर, उस पे जरूर पाबंदी लगी है सर, ये बात माननी पड़ेगी सर। 1000 और 500 का नोट मैं बता दूं सर आपसे, मैं खुद यूपी स्टेट का हूँ, एक दिन मैं एटीएम से पैसे निकाले बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम से, उस एटीएम में से 500 रुपए का नोट जाली निकला, बैंक मैनेजर ने साफ मना कर दिया कि साहब हम वापस नहीं लेंगे। तो इसका मतलब यह है कि जाली करेंसी के मामले में बैंक भी संलिप्त था, बैंक अधिकारी भी थे, सर्कुलेशन में था। तो नोटबंदी से एक फायदा तो होगा सर कि जो जाली करेंसी है सर उस पे पाबंदी लगेगी। आज बिजनेस सारा मार्केट खत्म हो गया, मार्केट कोई कामकार नहीं है, और 90% बिजनेस ही ठप हो गया, इतनी दुनिया दुखी, काम का धंधा है नहीं, ऐसे है जैसे मार्केट में कर्फ्यू लगा हुआ है। सरदार जी कह रहे हैं कि 90% जो है धंधा, बिल्कुल काम धंधा नहीं है इनसे। हाँ जी बिल्कुल जी, ये सरदार जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमारे बिल्कुल काम नहीं है ये 90% बिल लेके आते हैं, टिफिन रोटी खा के घर चले जाते हैं, टिफिन खा के आते हैं, लेके आते हैं और क्या, ये पिकनिक ही हो रही है, पिकनिक ही हो रही है। अच्छा जी 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 जी, अच्छा भाई देखो सरदार जी कह रहे हैं कि सारा काम धंधा खत्म हो गया, आप बताइए जी। बहुत बढ़िया काम है, कुछ भी खत्म नहीं हुआ, ये तो बेकार का हल्ला मचा रहे हैं, ये तो बेकार में हल्ला मचा रहे हैं, बेकार में हल्ला मचा रहे हैं ये सब। अच्छा काम किया है, कश्मीरी कह रहे हैं, पहली बार कोई मीडिया वाला आया है, ये सब पागल हो रहे हैं, ये पागल हो गए और कुछ नहीं, और ये काम धंधा सब सही चल रहा है, बढ़िया चल रहा है सब। सरदार जी तो कह रहे थे 90% काम खत्म हो गया, सरदार जी कहाँ गए, क्या नाम है तुम्हारा? सुखमाल जैन। ताली बजाओ। अंधेरे के बाद उजाला आता है, अंधेरे के बाद उजाला आता है। लेबर को कितने पैसे देते हैं तनख्वाह, बोलो इनको बोलो कि काम कर रहे हैं इनके इसमें दुकान पे, लेबर को तनख्वाह कितने, 4000 से 5000, इससे ज्यादा नहीं दे रहे, और वो 100-100 रुपया रोज की खर्चा करके आते हैं और 100 रुपया रोज का खाना खाते हैं, फिर भी लेबर को 4-5000 उससे पूछो कि कितने लेबर। इससे एक फायदा ये भी होगा कि लेबर को तनख्वाह पूरी जाएगी, ये अपने अपने जेब भरते, दुकान छोटा है इनकी, 10-10 गोदाम है इनकी, 10-10 गोदाम है, इसको बोलो कि इस गोदामों का टैक्स भरते क्या ये करते, बताओ इन लोगों को। सरदार जी कहाँ चल गए, बोलो बुलाओ, कहाँ गए सरदार जी, अरे 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 कहाँ गए, मिल गए सरदार जी, अरे सरदार जी कहाँ गए भाई, जी कहाँ चले गए, अरे आप ही नहीं है, अरे आप ही खड़े थे, मेरी पकड़ बड़ी थे, मेरी दुकान नहीं है कोई, मैं तो यहाँ व्यापार करने आता हूँ। आप देखिए कहाँ चले गए सरदार जी, चले जी उनको बताओ, इनसे पूछो, इन भाई साहब से पूछो, ये जो कह रहे टैक्स नहीं भरते, ये लोगों के टैक्स की बैलेंस शीट चेक करते हैं क्या? देखो किसी पे इल्जाम लगाने का किसी को आकर नहीं है। आप वो कह रहे हैं पागल हो रहे हैं, और मैं कह रहा हूँ 100 बार मीडिया आ चुका कश्मीरी गेट में, 100 बार आ चुका है, 100 बार मीडिया आ चुका, मैं मानता हूँ उसको नहीं मिला, मैं मानता हूँ कि 1000 बार आया, लेकिन मकसद ये मीडिया के आने ना आने का नहीं, ये मकसद ये है कि उसने कहा कि लेबर की तनख्वाहें जो हैं वो पूरी जाएंगी, और जो इनकम टैक्स का जो ऑर्बिट है, जो दायरे में आने वाले लोग हैं वो ज्यादा बढ़ेगा, ये इसका एक मकसद है, और अगर ये होता है तो ये अच्छी बात है, वो तो अच्छी बात, लेकिन लोगों की तकलीफें वो तो बताया नहीं है हमने, वो तो लोगों की तकलीफें जो बढ़ रही है उसका क्या होगा, अभी फिलहाल तो परेशानी हो ही रही है ना, आगे चलिए बताइए घर आपका कहाँ हो गया? मेरा घर कृष्णा नगर में रहता हूँ मैं, बहुत दूर से आते हैं, तो अभी चलेंगे तो कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा लगेगा, ट्रैफिक का ज्यादा होती है इस समय? हाँ होती है, तो मैं कहता हूँ कि अभी आप निकलो, हाँ चलता हूँ ओके। फिर मैं ये कह रहा था, सुझाव था, अगर आप मेरे साथ चलना चाहो तो चलो, अभी 5-4 मिनट और हैं, नहीं मैं आप निकलता हूँ, अरे नहीं रुको ना, अरे अरे रुको, हम आज ये दिखाएंगे तो दिख गया तो चला गया, घर जाके देखो पहुँच गया आज, अभी बस सिर्फ इतना, दादी चले आप कुछ नहीं बोले, कुछ तो बोल दो, थोड़ा बोल दो, क्या बोलना है पर ये बोल दो कि नोटबंदी कैसा रहा, क्या असर, कुछ अच्छा फिलहाल तो कोई असर नहीं है, और ये सफल है ना मामला, ठीक है चलेंगे, बोलेंगे बाद में, बोलेंगे देखेंगे बाद में, देखेंगे लेट्स वेट है ना। अरे अब ठीक है, तुम तो कबूतरबाज वाले आदमी हो ना, बाद में कबूतरबाजी वाले आदमी, आज अभी बस सिर्फ इतना, फिर मिलेंगे, उठाएंगे आवाज, बस आप बने रहो हमारे साथ।